नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के उग्रवादी संगठन PLFI के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के राजदार रांची के रहने वाले निवेश के कई राज उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि उर्फ कनिस फातिमा के सीने में दफन है। यही वजह है कि बांग्लादेश युवती फातिमा से रांची पुलिस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को अंदेशा है कि फातिमा PLFI और निवेश के कई राज जानती है और शायद यही वजह है कि पुलिस से भागता फिर रहा निवेश अपने मुश्किल वक्त में भी अपनी फातिमा को अकेले नहीं छोड़ा। PLFI के हथियार सप्लायर और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के बीच की कड़ी को रांची पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन अब भी कई ऐसे पहलू हैं जिसे लेकर पुलिस जद्दोजहद कर रही है और इन्हीं पहेलियों में एक पहेली है कनिस फातिमा उर्फ अंजलि, जो निवेश की सबसे बड़ी राजदार है और यही वजह है कि पुलिस बांग्लादेश की रहने वाली फातिमा से पूछताछ में जुटी है। ऐसा अंदेशा है कि वो हथियार जो अब तक PLFI उग्रवादियों के हाथों तक नहीं पहुंचे उससे निवेश ने कहां छिपा रखा है और लवी के पैसे का इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा कहां किया गया है। पुलिस फातिमा से इसकी जानकारी लेने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को फातिमा को धुरवा थाना लाया गया, जहां वरीय अधिकारियों ने उससे लंबी पूछताछ की। अंजलि उर्फ फातिमा बांग्लादेश के खुलना नामक इलाके की रहने वाली है। पिछले 7 सालों से फातिमा दिल्ली में अंजलि नाम से रह रही थी। पुलिस की पूछताछ में फातिमा ने यह बताया कि बांग्लादेश से दिल्ली आने के बाद उसने अपना नाम अंजलि रख लिया था और जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। इसी दरमियान उसकी मुलाकात निवेश से हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दरअसल निवेश को भी एक ऐसा राजदार चाहिए था जो दिल्ली में रहकर उसकी अवैध कमाई को वाइट करने के काम की मॉनिटरिंग कर सके। इसके लिए बकायदा निवेश उसे दिल्ली में सबकी नजरों के सामने पत्नी बनाकर रखे हुए था। हालांकि पुलिस को अब तक फातिमा का पासपोर्ट नहीं मिला है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।